बच्चे जो समाज के क्रूर चेहरे से अनजान होते हैं, बच्चे जो समाज में फैली तमाम तरीके की गंदगी से अनजान होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे छोटी सी उम्र में ही वो गुनाह करने लगते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जमशेदपुर में 3 नाबालिग बच्चों पर बेहद संगीन आरोप लगा है। अगर आरोप सही हैं तो ये बेहद संगीन जुर्म होगा। 3 नाबालिगों पर संगीन आरोप, 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप, 3 नाबालिगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्ची का कराया मेडिकल। मामला जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना इलाके का है। यहाँ की कीताडीह बस्ती के 3 नाबालिगों पर जो संगीन आरोप लगा है वो बेहद शर्मनाक है। इन बच्चों पर 5 साल के एक मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गए। रोती हुई बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और माँ बाप को अपने साथ हुई आप बीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों लड़का लोग लेके गया था, चारों लड़का ले गया था अंकेश अरुण और सूरज और नीरज और अंकेश, और चारों जन ले गया था। तुम्हारे को लेके गया था? कहाँ लेके गया था? उधर विश्वकर्मा का खत तरफ में नल्ला तरफ में। ये बदमाशी क्या करे साहब? किसी को भी उन बच्चों की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाद में परिजनों ने बागबेड़ा थाने में पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करा, तब जाकर पुलिस ने बच्चों को हिरासत में लिया और लड़की का मेडिकल करवाया। पुलिस ने बच्चों को बाल मित्र थाने में रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है जिसमें कि जो बच्चे इसमें हैं वो भी माइनर्स ही हैं, तो उनसे अभी जो है वो पूछताछ की जा रही है कि इसमें आखिर बात क्या है। जो बच्ची है उसका मेडिकल भी कराया गया है और जांच में जो भी बात आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जैसे बच्चे के खेलने के क्रम में इस तरह की कुछ बातें हुई हैं और वो आसपास का ही बच्चा है जो बच्ची के साथ में खेल रहा था और सभी माइनर्स हैं और उस पर जो है वो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो भी बात सामने आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। मामला मीडिया की नजर में ना आए इसलिए पहले तो काफी देर तक पुलिस आरोपी बच्चों को जीप में इधर से उधर घुमाती रही। बाद में DSP ने पूरा मामला मीडिया के सामने रखा। फिलहाल बच्चों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बच्चों की ऐसी मानसिकता का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हाईटेक होता ये समाज ऐसी मानसिकता का जिम्मेदार है? आखिर क्यों बच्चों में बचपन से ही ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले रही है? गुनाह के लिए जमशेदपुर से लाला जबी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।